नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। खेत में किसान और सीमा पर जवान, यह कहावत सही चरितार्थ है, क्योंकि यदि सीमा पर जवान नहीं होंगे तो देश के आम नागरिक कैसे चैन की नींद सो सकेंगे। वो सैनिक ही हैं जिनके दम पर हम चैन से सो रहे हैं, चैन से रह रहे हैं और सीमा प्रहरी बनकर अपनी जान को जोखिम में डालकर डटे हुए हैं। यदि यह कहा जाए कि जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब भी कोई जवान जंग के दौरान शहीद हो जाता है तो सरकार के द्वारा उसकी शहादत को नमन किया जाता है, उसके नाम पर कई पुरस्कार भी वितरित होते हैं। लेकिन करनाल का एक परिवार ऐसा है जिनका मात्र 24 वर्ष का बेटा वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हो गए। शहीद के नाम पर करनाल में माल रोड पर एक सड़क का नाम तो रख दिया गया, लेकिन उसके आगे अभी तक शहीद शब्द नहीं लिखा गया। यही टीस उनके परिजनों के मन में है। हम बात कर रहे हैं 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। तब करनाल का एक युवा जिनका नाम लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर है, वह भी शहीद हो गए थे। उनके नाम पर एक मार्ग का नाम रख दिया गया है जिसे विक्रम मार्ग कहा जाता है, लेकिन उनके नाम के आगे शहीद शब्द नहीं लिखा गया है। यही टीस उनके परिजनों को भावुक भी कर देती है। विक्रम सिंह राठौर ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्हें सैनिक भी डर के मारे टाइगर नाम से बुलाते थे। इन्हें फौलादी हाथों से बरसाई गई गोलियों से 400 चीनी सैनिक ढेर हुए थे। इन्हें उस युद्ध का हीरो भी कहा जाता है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि इस शहीद की शहादत के बाद अभी तक उनके परिजनों को विक्रम का शव नहीं मिला है। मात्र पत्राचार के माध्यम से उनके गुमशुदा होने की सूचना मिली थी। विक्रम सिंह राठौर का परिवार ऐसा परिवार है जो देशभक्ति में सबसे आगे है। विक्रम जब मोर्चे पर होते थे तो अपने पिता और भाइयों से अक्सर पत्राचार करते थे। पत्र में मात्र यह जिक्र होता था कि आप चिंता ना करें, या तो मरूंगा या फिर मारकर वापस लौटूंगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। इसके जवाब में विक्रम सिंह राठौर के पिताजी ठाकुर रणबीर सिंह जी यही लिखते थे कि बेटा, ठाकुरों की परंपरा को निभाना है और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना है। विरासत में मिली ऐसी दिलेरी और देशभक्ति के जज्बे के कारण ही विक्रम सिंह राठौर जब लड़ाई के दौरान तीन तरफ से चीनी सैनिकों से घेर लिए गए थे, तब भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा था और अपनी फौलादी बाहों से आग बरसाते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। उनकी शहादत के बाद उनका नाम परमवीर चक्र के लिए भी नामांकित हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पुरस्कार भी उन्हें नहीं मिल सका, जिसकी टीस अभी तक उनके परिजनों के दिल में है। शहीद विक्रम सिंह राठौर के छोटे भाई और करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ने जब समाचार एक्सप्रेस से इस विषय में बातें साझा की तो बातों ही बातों में भाई की याद में कई बार वह भावुक भी हो गए और कई बार उनके मन में थोड़ा रोष भी दिखा। उनका रोष इसलिए था कि अभी तक उनके भाई के नाम पर बने मार्ग पर शहीद शब्द नहीं जोड़ा गया। देखिए आप एक रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, और इस समय मैं आज मौजूद हूं सेक्टर 13 में। आज मैं एक परिवार के साथ बैठा हूं और उनकी जो उनका पूरा का पूरा परिवार है वो डिफेंस में है, यानी कि पूरा का पूरा परिवार देश की सुरक्षा में डटा हुआ है, और उनके घर का एक सदस्य 1962 की वॉर में शहीद भी हो चुका है, और उनके नाम पर सरकार द्वारा सड़क का निर्माण भी किया गया जो माल रोड पर स्थित है।
जिसे कि विक्रम मार्ग के नाम से जाना जाता है। मैं आज उनके परिवार के साथ हूँ। उनके मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर थोड़ी बहुत ही नहीं टीस है। उनका यह भी मानना है कि सरकार द्वारा जो नेम प्लेट लगा तो दी, सड़क का निर्माण तो कर दिया, सड़क का नाम तो रख दिया, लेकिन उनके नाम के आगे शहीद नहीं रखा गया, शहीद नहीं लिखा गया, उसको लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं टीस है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैं आपसे इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि मैं जिनके बारे में बात करना चाह रहा था वो हैं शहीद विक्रम सिंह राठौर, जो मात्र 24 साल की आयु में ही देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक भी उनकी डेड बॉडी उनके परिजनों को नहीं मिली। 1962 की लड़ाई में, जो चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में वो शहीद हुए थे, लेकिन उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। मात्र एक चिट्ठी मिली थी जिसमें ये लिखा गया था कि वो मिसिंग हैं। आज मैं उनके छोटे भाई, जो कि करनाल की जानी मानी हस्ती और एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जी, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये अब तक करनाल में 3 बारी करनाल बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं। इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, और इसके अतिरिक्त वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन भी हैं। वो 5वीं बारी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पाँच बारी इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन इनके मन में कहीं टीस है कि कहीं इनके बड़े भाई ने शहीदी दी थी देश की रक्षा के लिए। बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता था, और उन अकेले 24 साल के अकेले टाइगर ने 300 से अधिक चीनी लड़ाकू थे उनको मार गिराया था। उस समय भारत के पास लड़ाई के लिए कोई हथियार नहीं था। मेरे साथ इस समय मौजूद है करनाल के विश्व अधिवक्ता श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जी। राठौर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि सर, हमें पता लगा था कि आपके जो ब्रदर हैं मात्र 24 साल की उम्र में वो देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। उनके नाम पर सड़क का निर्माण भी किया गया, सड़क का नाम भी रखा गया विक्रम मार्ग, जो कि ठंडी सड़क माल रोड पर स्थित है, लेकिन उनके नाम के आगे शहीद नहीं लिखा गया। सर, इस बात को लेकर आपके मन में क्या टीस है, और क्या आप महसूस करते हैं कि ये तिरस्कार किसका है? शहीद का तिरस्कार है, देश का तिरस्कार है, परिवार का तिरस्कार है, या उन माँ बाप का तिरस्कार है जिन्होंने अपना जवान बच्चा मात्र 24 साल की उम्र में खो दिया? देखिए, आपने बड़ा सेंसिटिव इशू आज मेरे सामने रखा है। काफी अरसे से सन 62 से लेकर आज तक का जो सफर मैंने अपनी जिंदगी का तय किया, आज भी ऐसे लगता है कि जैसे कि भाई शायद वापस आ जाए। इसमें मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं कि हम कुल 5 भाई थे। सबसे बड़े कैप्टन राज सिंह जी थे, उनसे छोटे जज थे हाईकोर्ट के अंदर, जस्टिस राठौर, सुरेंद्र सिंह राठौर। यहाँ तक लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह जी जो मेरे बड़े ब्रदर थे, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो शुरू से गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल के अंदर के विद्यार्थी थे, और कुंजपुरा सैनिक स्कूल में भी वो पढ़े थे। इसके बाद इन्होंने एनडीए के एग्ज़ाम के अंदर इनको सिलेक्शन होगी, और 59 में इनको कमीशन मिल गया था एज ए लेफ्टिनेंट। उसके बाद इनकी पोस्टिंग हो गई लद्दाख एरिया के अंदर, और एक दो स्टेशन पे और भी गए ही है। उसके बाद ये 62 के अंदर छुट्टी आए हुए थे एनुअल लीव 1 महीने की। मैं उस वक़्त, मुझे पूरी होश है, 12-13-14 साल का था, तो बैठे थे भाई से, पिताजी के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने अपना सारा हाल चाल हमें बताया। एकदम से जब टेलीग्राम आई, तो टेलीग्राम के बाद पिताजी को कहने लगा कि छुट्टी तो ख़त्म है और मैं अब जाऊंगा, और अपनी या तो मैं आज आखिरी मुलाकात है मेरी आपके साथ, देश के लिए कुर्बानी दूंगा, या फिर जीत के वापस आऊंगा। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, तो फौजी का फ़र्ज बनता था। ये वहाँ गए,
ये बालाओं के अंदर इनकी ड्यूटी लगी और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी वहाँ पे। पर बदकिस्मती ये थी कि उस वक़्त 62 के अंदर हमारे पास इतने हथियार नहीं थे। आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और मैं समझता हूँ हमारे हिंदुस्तान की आँख भी 62 के वार के बाद ही खुली थी कि भी लड़ाई भी कुछ होती है दुश्मन के साथ करना, उसके लिए हथियार की भी ज़रूरत होती है। ये 47 दूसरी बड़ी हथियार ये नहीं थे उस वक्त, ये सिंपल हथियारों के साथ ही वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ चले गए। काफ़ी दिन तक लड़ाई चली, पूरी लड़ाई के अंदर इन्होंने अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से मात कराई। आपको एक मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि 1962 की लड़ाई में किसी भी मोर्चे पे हमारा कोई, जितनी भी हमने हमारी पोस्ट थी फॉरवर्ड एरियाज की, उनसे हम पीछे हटते रहे। पर ये मेरे ब्रदर की जो ये इनकी यूनिट जो थी, इन्होंने ही सबसे पहले अपनी खोई हुई पोस्ट को वापस लिया था। और चाइनीज़ जो थे इतने भयभीत थे, इनसे इतने डरे थे कि इनको टाइगर के नाम से वो बोलते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी खोई हुई पोस्ट को बड़े टैक्टफुली वहाँ लड़ते हुए वापस ले ली। ये सर हमारे साथ भूपेंद्र सिंह राठौर जी हैं जो इसे हमारे साथ जुड़े हैं। आपने किस तरह देखा होगा कि बात करते करते भावुक भी हो चुके थे। इन्होंने बताया कि इनके ब्रदर को चाइनीज टाइगर के नाम से जानते थे क्योंकि वो पहली पोस्ट थी जो चाइनीज हमारे से खींच चुके थे, लेकिन उन्होंने दोबारा अपने जज्बे के दम पर वापस उसको प्राप्त कर लिया था। चाइनीज उन्हें टाइगर के नाम से जानते थे। राठौर साहब, सुनने में ये भी आया था कि आपके ब्रदर जी का नाम परमवीर चक्र के लिए रेकमेंडेशन किया गया था, लेकिन वो किन कारणों से नहीं मिल पाया, ऐसा क्या हुआ? देखिए, जिस वक्त ये लड़ाई खत्म हुई, 16 नवंबर को भाई हमारे शहीद हो गए थे और 16 नवंबर के बाद हमारे पास टेलीग्राम आई कि वी इज मिसिंग, बिलीव टू बी किल्ड। और वहाँ पर मौसम नवंबर का महीना था, बर्फ पड़ चुकी थी, कोई भी वहाँ से वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं था कि भी ना कहीं पहुँच सकते थे, बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर लड़ाई हुई थी। तो जब इनकी कुर्बानी के इनके साथ जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, लास्ट में इनके एक ब्रिगेडियर थे मिस्टर रौले जो बाद में जनरल बने, वो इनके साथ ब्रिगेड कमांडर थे, वो इनके साथ इन टच में थे, लड़ाई की हर एक सूचना ले रहे थे वो। तो मेरे पास एक लेटर भी है ब्रिगेडियर रौले का, जो मेरे फादर को उन्होंने लिखा था लड़ाई के बाद कि मैंने विक्रम को आदेश दिया था कि आप लोग अब लड़ाई के बारे में सारी जो सूचना वो लेते थे, और उनको उन्होंने उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया कि विक्रम को तीनों तरफ से चाइनीज ने घेर लिया था। उनके सारे कॉमरेड जितने साथी थे वो काफ़ी शहीद हो चुके थे, जो 5 या 6 मुश्किल से आदमी बचे थे उनको भाई साहब ने ऑर्डर दिया कि तुम जाइए, तुम नीचे जाकर उनको बताओ कि मैं वापस नहीं आऊँगा जब तक ये दुश्मन को मैं पीठ नहीं दिखाऊँगा। उनके कहने पर वो तो वापस चले गए, पर इन्होंने फिर हैंड टू हैंड फाइट किया और उनके काफ़ी चाइनीज फिर ढेर किए इन्होंने। सर, आपके पिताजी और इनके बीच में चिट्ठियों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से काफ़ी वार्तालाप होता था। सुनने में यह भी आया है, बताया जो हमें जानकारी मिली है, जानकारी के अनुसार ये आपके पिताजी को और आपके पिताजी इनको दोनों एक दूसरे को एनकरेज करते रहते थे। उनके ये भी शब्द थे कि मर जाऊँगा लेकिन पीठ दिखाकर वापस नहीं आऊँगा, और बदले में आपके पिताजी ने भी ये कहा था कि आप खाली हाथ नहीं लौटना, दुश्मन को मिटाकर ही वापस लौटना है। सर, क्या ये पत्राचार का माध्यम सही था उनका? बिल्कुल सही था। हर चिट्ठी जो थी वो अपने मेरे पिताजी को भी लिखते थे, बड़े भाई साहब को भी लिखते थे और मोर्चे पर से, और कई घरेलू बातें उसके अंदर लिखते थे। और उन्होंने अपनी जो सिचुएशन वहाँ बॉर्डर की थी वो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ उनकी लेटर जो है हमारे पास अभी पड़े हैं, कि जिसमें उन्होंने लिखा था
कि मैं एक क्षत्रिय होने के नाते अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करूंगा, या मरूंगा या इस दुश्मन को ख़त्म करूंगा। और आपको मेरी उसके पर कोई चिंता की जरूरत नहीं। मैंने अपना चाइनीज़ को मार दिया है और अपनी आखिरी दम तक इनको मैं इनके साथ लड़ूंगा आखिरी दम। सर, ये जैसे भूपिंदर सिंह जी ने हमें बताया कि शहीद विक्रम सिंह राठौर जी के ये आखिरी शब्द थे, वो अपने पिताजी को ये कहते थे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अगर लौटूंगा तो दुश्मनों को हरा कर लौटूंगा, पीठ दिखाकर नहीं लौटूंगा। उन्होंने अपने पिताजी को पत्राचार के माध्यम से यह भी बताया कि आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं यहाँ पर सीमा पर तैनात हूँ, सीमा की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय होने के नाते जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं मैं उनको निभा कर आऊँगा। आप इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो एक शूरवीर थे जिन्होंने मात्र 24 साल की आयु में ही अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं इनसे एक और बात करना चाहूँगा। राठौर जी, जब आपके ब्रदर जी शहीद हुए थे उसके बाद आपके पिताजी ने आप सब भाइयों को इकट्ठा बुलाकर ये बोला था कि अब आपको भी फौज में जाना है, आपको फौज में जाना है और विक्रम का बकाया काम पूरा करके आना है। सर, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल अभी तक याद है कि फादर जो थे थोड़े मायूस हो गए थे, पर उन्होंने सभी हमारे, हम पांच भाई थे, एक चले गए शहीद हो गए थे, फिर बाकियों को बुलाया, सबको बैठाया मेरे सामने, मैं भी बीच में था, और सबको ये आदेश दिया कि भाई अपना अपना पढ़ाई या काम छोड़ो और जाकर के फौज के अंदर आप ज्वाइन करो और विक्रम सिंह का जो बाकी बकाया काम है उसको पूरा करो, देश की सेवा करो। ये ऐसा परिवार है जिनके मुखिया ने अपना एक जवान बेटा खोने के बाद सब बाकी सारे बच्चों को एकत्रित करके यह फरमान सुनाया था कि जाओ विक्रम का बकाया काम पूरा करो और जाकर देश की सेवा करो। आप उन मुखिया के, उन जो इनके पिताजी हैं श्री ठाकुर रणवीर सिंह जी, आप उनके इन वाक्यों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें, उनके खून में किस तरह से शूरवीरता थी। इतना ही नहीं, मायूस हुए थे थोड़ा सा, बेटे का गम जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सारे बच्चों को बुलाकर यह कहा कि जाओ और सेना में जाने की तैयारी करो क्योंकि आपको विक्रम का बकाया काम पूरा करना। राठौर साहब, उस समय इन 1962 में एनिमेशन तो इतने नहीं थे स्वचालित आज के कंपेरेटिवली, तो सर उस समय जो लड़ाई लड़ी गई थी शहीद विक्रम सिंह राठौर जी के द्वारा, तो सर उस समय आपको लगता है कि हाँ उन हथियारों की कमी महसूस रही जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, उस 62 के अंदर को कोई तैयारी नहीं थी और ना कोई हमारे पास इतने हथियार थे। ये तो हमारी इंडियन आर्मी इतनी दिलेर है, इतने हौसले वाले थे, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो उनकी शहादत के बाद काफ़ी हिस्ट्री देखी है, जो जितने सभी यंग लड़के थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। देखिए, इन्होंने बताया कि उस समय इतने आधुनिक हथियार नहीं थे, अगर आखिर में हिंदुस्तान की आर्मी की या हिंदुस्तान की सरकार की आंखें खुली हैं तो 1962 के वार के बाद ही खुली हैं। उस समय जिन्होंने भी शहादत दी वो अधिकतर यंग लड़के थे। सर, अब सबसे प्रमुख सवाल, उनके नाम पर सड़क का नाम रखा गया है विक्रम मार्ग, लेकिन उनके आगे शहीद शब्द नहीं जोड़ा गया, इसके पीछे आप क्या कारण जानते? देखो, मैं आज आपने मेरे दिल की बात खोली, जो मैंने अभी तक अपने दिल में रखी हुई थी, मैं बात बताता था लोगों को, पर मुझे पता है कि ये सब पॉलिटिक्स है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ना इन पॉलिटिशियंस को पता भी देशभक्ति क्या होती है और क्या देश के लिए करना होता है। ये ना तो शहीदों की इतनी इज्जत की करते हैं, ना ये मान सम्मान करते हैं। हाँ, शहीद की डेड बॉडी जब आ जाती है उसको सलामी दे करने के बाद फिर भूल जाते हैं उस परिवार को। एक नहीं है, मैं 36 एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने जब हमारे फादर ने सभी बच्चों को बुलाया और आर्मी में ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर दिए, उस वक्त शॉर्ट सर्विस कमीशन था। शॉर्ट सर्विस में सबसे पहले मेरे बड़े ब्रदर, वो उन्होंने जाके ज्वाइन किया, फिर उससे हम सभी भाइयों ने तैयारी की, मैं भी गया था, मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, दूसरे ब्रदर गए वो सिलेक्ट हुए, तीसरे ब्रदर थे वो सिलेक्ट हो गए थे, पर मेडिकली उनको
नहीं उनकी सिलेक्शन हो सकी, अदरवाइज मेरिट के ऊपर वो सिलेक्ट हो गए थे। तो इस वजह से जो मेडिकली अनफिट हुए उनका नाम था सुरेंद्र सिंह, वो बाद में लेटर ऑन वो लॉयर थे, बाद में हाई कोर्ट के जज बने, लेट जस्टिस सुरेंद्र सिंह, उनकी डेथ हो गई है एक साल के बाद ही बनने के, जज बनने के बाद। ये दोनों फिर मेरे भाई वहाँ पे, सबसे बड़े ब्रदर कैप्टन राज सिंह, इन्होंने मोर्चा संभाला, दूसरे ब्रदर थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने मोर्चा, उन्होंने 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, और आगे फिर पिताजी के आदेश अनुसार उन्होंने अपने दोनों बच्चे, नरेंद्र सिंह ने अपने दोनों बच्चों को आगे फौज में भेजा है। आज एक ब्रिगेडियर है, दूसरा कर्नल है, अभी भी मोर्चे पे, एक J&K में है और एक दूसरा लद्दाख के अंदर पोस्टेड है, वो भी अब सेवा कर रहे हैं देश की। तो इस तरीके से हमने, मुझे इस चीज़ का जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि उनका नाम शहीद नहीं इन्होंने लिखा, ये बिल्कुल ठीक है। हम जाते हैं, मैं जब भी देखता हूँ वो SP साहब की कोठी के सामने, हमारे सुभाष कॉलोनी के सामने वो सड़क बनी है, उस पर सिर्फ विक्रम सिंह मार्ग लिखा हुआ है, कि जैसे कोई एक कोई सिविलियंस का नाम उसको पढ़ के कोई आदमी समझता हुआ, पर गवर्नमेंट को कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये तो देख लो कि जिस आदमी ने शहीद शहादत लिखी उसके आगे शहीद तो लिख दो। इस चीज़ का बहुत मेरे मन के अंदर बहुत बड़ी भारी टीस है, और कई दफ़ा हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिल लिया, पॉलिटिशियंस को भी एक दो को कहने की कोशिश की है, परंतु आज तक इनकी किसी को इस चीज़ के बारे में ना कोई ध्यान है। ये तो सिर्फ फाकी नारे लगाते हैं, बोगस फाकी के, देशभक्ति के नारे लगाते हैं, देशभक्ति कुछ नहीं है इनके बल्ले, ये पॉलिटिशियंस के पास कुछ नहीं है, ये बाकी सिर्फ बातें हैं कि हम देशभक्त हैं, देशभक्त कुछ नहीं है, ये वैसे ही बातें करते हैं। तो अगर इनमें देशभक्ति थोड़ी सी भी हो, एक आदमी ने जिसने इतनी बड़ी शहादत दी उस आदमी के नाम के आगे भी शहीद लिखने में इनको गुरेज है, इनको कोई, इनको नज़र नहीं आता, इनको ये हमारे दिल के अंदर है, मुझे पता है कि मेरे भाई ने कैसी शहादत दी हुई है, इनको क्या पता है, उसको शहीद तक भी लिखने में इनको शर्म आती है। ये थे मार्शल भूपेंद्र सिंह राठौर, इनके भाई की शहादत के लगभग 58 साल के बाद भी इनके मन के अंदर एक एक वाक्य छिपा है, एक एक लफ्ज छिपे हैं, एक एक बात छिपी है कि क्या इनके ब्रदर ने इनसे कही, क्या इनके पिताजी ने इनको कही, क्या इनके पिताजी इनके ब्रदर को कही, लेकिन इनके मन में टीस जरूर है कि उनके नाम पर एक पत्थर तो लगा दिया विक्रम सिंह मार्ग, लेकिन उस जगह शहीद ने लगाया। इन्होंने यह भी बताया कि इस बाबत वो कई बारी प्रशासन से बात कर चुके हैं, पॉलिटिशियन से बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी कहीं पर भी उनकी शहादत को सलाम नहीं किया। लेकिन हम समाचार एक्सप्रेस की टीम उस वीर जवान की शहादत को शत शत नमन करते हैं, और हम इनके साथ साथ हम भी प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उनके नाम के आगे शहीद लगाया जाए, ताकि इनके मन के अंदर जो टीस है वो थोड़ी सी ठंडी हो सके। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस। सर, एक बात और कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, देखो मैं एक और प्रशासन से भी बात करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी बात कहना चाहता हूँ, और जो इस शहीदों के बारे में भी कहना चाहता हूँ मैं थोड़ा बहुत। हमारे करनाल में जिस वक्त 62 के अंदर हमारे ब्रदर शहीद हुए, उसी वक्त एक हमारे तेजिंद्रा पार्क, आपने देखा होगा तेजिंद्रा पार्क है मॉल टाउन के अंदर, वो दोनों ब्रदर शहीद हो गए थे उस लड़ाई के अंदर। और मुझे शर्म आती है, कई बार रोना आता है कि जिस पेरेंट्स के दो जवान बेटे शहीद हुए हैं, उनका एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जिसमें कोई सफाई नहीं होती, और तिकोने सा तीन तीन ट्रायंगुलर शेप के अंदर एक छोटा सा पार्क बना दिया। एक पॉलिटिशियन या कोई दूसरे ऐसे आदमी जिनको देशभक्ति का पता ही कुछ नहीं, जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने कुछ किया नहीं है मुल्क के लिए, उनके नाम के बड़े बड़े कॉलेज बन जाएंगे, बड़े बड़े उनके नाम के उनके स्टैचू लग जाएंगे। अरे कम से कम हमारे करनाल के शहीद थे तेजिंद्र पार्क से भी क्या, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उनके स्टैचू हो, ताकि आने वाली जनरेशन याद करे कि हाँ इस शहर के अंदर से, इस देश के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ये शहीद हुए हैं, और इनके स्टैचू हैं, उनको देख के आने वाली जनरेशन के अंदर कुछ भावना बने और देश प्रेम की जो फीलिंग है वो क्रिएट हो उनके अंदर। देखिए आप किस
देख सकते हैं किस तरह से भूपेंद्र सिंह राठौर जी बात करते करते बीच बीच में भावुक भी हुए और थोड़ा सा इनके स्वभाव में गुस्सा भी आया। गुस्सा जनता के प्रति नहीं, गुस्सा प्रशासन के प्रति था, प्रशासन के प्रति है, क्योंकि प्रशासन ने शहीदों की कदर नहीं की। इसका उदाहरण इन्होंने दिया कि उसी वार में करनाल के दो अन्य युवक, एक ही पेरेंट्स के, एक ही फैमिली के दो बच्चे शहीद हुए थे। उनके नाम पे पार्क तो बना दिया गया लेकिन उसको मेंटेन आज तक नहीं किया। इनका ये भी कहना है कि कम से कम सरकार को चाहिए कि ऐसे शहीद जिन्होंने देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा की है, हम सोते रहे और वो जागते रहे। सीमा पर जवान खेत में किसान, यह कहावत ऐसे नहीं बनी। इनका ये भी कहना है कि कम से कम इनके नाम के स्टैचू तो बन जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को यह आभास हो सके कि ये हमारे देश की रक्षा करने वाले शहीद हैं और हमें इनके पद चिन्हों पर चलकर अपने देश की रक्षा करनी है। मैं एक बार फिर से ऐसे शहीदों को शत शत नमन करता हूँ और सरकार से पुरजोर मांग भी करूँगा कि ऐसे शहीदों के लिए वो तिरस्कार वाला काम ना करे। अगर पुरस्कार नहीं दे सकती तो तिरस्कार ना करे। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।